फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस लेक्चर में हम आपको सिखाने जा रहे हैं डिज़ाइन डाटा बुक को कैसे यूज़ करते हैं फॉर गियर चैप्टर के लिए। ठीक है, मींस आपका गियर की जब आप डिज़ाइन करोगे, मींस डिज़ाइन ऑफ गियर का जब कोई चैप्टर पढ़ोगे, तो डिज़ाइन ऑफ गियर में आपका बहुत टाइप का गियर आता है। स्पर गियर की डिज़ाइन, हेलिकल गियर का डिज़ाइन, वॉर्म गियर का डिज़ाइन, ठीक है। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के गियर की डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने टाइम बहुत सारे कुछ हमें चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका पिच सर्कल, डिडेंडम, एडेंडम, ये सब क्या होगा, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज क्या होंगे। इतने सारे फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में आपको जब आप DME का पेपर दोगे, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, तब आपको ये डिज़ाइन डाटा बुक आपको दिया जाएगा, ताकि आप उसके हेल्प से, उसके डाटा के हेल्प से आप अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पेपर में लिख सके, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ गियर्स के लिए मैं आज आपको डिज़ाइन डाटा बुक कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले दो लेक्चर बनाए थे दो अलग अलग यूनिट के लिए, तो सेम यहाँ भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन डाटा बुक जो मेरे पास है वो के माधवन और के बलवीरा रेड्डी का हमारे पास डिज़ाइन डाटा बुक है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कंटेंट खोलना, ओपन करना है, कंटेंट ओपन करना है। कंटेंट ओपन करने के बाद आप डिज़ाइन ऑफ किसकी डिज़ाइन कर रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेस एनालिसिस, वर्किंग स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन ऑफ साफ्ट कीज, पिन, कॉटर एंड नकल, ये सब की डिज़ाइन का हमारे पास फॉर्मूला दिया होता है। आपको किसका डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन ऑफ गियर्स, तो आप डिज़ाइन ऑफ गियर में जाए। तो ये देखें, जैसे आप खोल करोगे तो स्पर, हेलिकल, रेवल एंड वॉर्म गियर, स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर एंड वॉर्म गियर का आपको ये एक चैप्टर मिलेगा, दैट इज चैप्टर 12, ठीक है, फॉर दिस बुक। नाउ अब इसमें आपको फॉर एग्जांपल, अब इसमें स्पर गियर, सर्कुलर एंड डायमेट्रिकल पिचेस क्या होता है, उसका मॉड्यूल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है फॉर स्पर गियर के लिए, ऐसे ही फॉर हेलिकल गियर के लिए सर्कुलर, नॉर्मल सर्कुलर पिच, डायमेट्रिकल, ऐसे सब कुछ आपको यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको जो चैप्टर जो डिज़ाइन करना है वो चैप्टर आपको मिल गया है इसमें कंटेंट में, पेज नंबर 201 ओपन करो, तो आपको ये वन बाय वन सारे गियर का डिज़ाइन का फॉर्मूलाज आपको डाटा उसके मिलते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये 201 हम थोड़ी देर बाद ओपन करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन डाटा बुक आपके हाथ में है, जैसे कि मैं सारे लेक्चर में स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि डिज़ाइन डाटा बुक में सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मटेरियल्स के टाइप कहाँ दिए होते हैं। तो आप डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन डाटा बुक आपके पास हो, उसका लास्ट पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। लास्ट मीन्स लास्ट का कुछ अपेंडिक्स ऐसे ओपन करना है, ठीक है। तो लास्ट में जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो आप लास्ट में लास्ट पेज का मतलब 8-10 पेज लास्ट का देखोगे तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये किसके लिए, कार्बन स्टील के लिए है, कार्बन स्टील के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन स्टील कास्टिंग फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। तो ग्रेड, अब कार्बन स्टील अलग अलग ग्रेड के आते हैं, तो फॉर क्वेश्चन आपको दे दिया हो, फॉर एग्जांपल 20-40 आपका ग्रेड है, तो उसके लिए यील्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा 200, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 400, इलोंगेशन 25, रिडक्शन ऑफ एरिया दिस, तो ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला जो टेबल है प्रॉपर्टीज, आयरन कास्टिंग के लिए आपको मिल जाएगा SG8002, ये किसका है, ग्रेड डेजिग्नेशन है आपके कास्ट, आयरन कास्ट आयरन का, उसका टेंसाइल कितना होगा, इलोंगेशन कैसे हो कितना होगा, ब्रेनल हार्डनेस रेंज कितना है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाई टेंसाइल स्टील कास्टिंग के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रे आयरन कास्टिंग के लिए आपका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हो FG200 आपका मटेरियल है और उसका टेंसाइल और ब्रेनल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट पीछे में पलटना, आप ये ग्रे आयरन कास्टिंग के लिए देखना FG200 का टेंसाइल 200 दिया है और ब्रेनल हार्डनेस दिया है 160 से 220 के बीच में, ठीक है। ऐसे सारे का हाई टेंसाइल स्टील कास्टिंग के लिए, हार्डनेस ऑफ कार्बन स्टील फॉर्जन और जनरल इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए टेंसाइल प्रॉपर्टीज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये देखिए टेंसाइल एंड इंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड रॉट स्टील के लिए भी सब कुछ दिया हुआ है, ये आपके उसके ग्रेड कैसा है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, एलोंगेशन क्या होगा पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, आप एक बार देखना, ठीक है। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको डिज़ाइन डाटा बुक यूज़ करने नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखो अपेंडिक्स टू में, यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉड्यूल ऑफ वेरियस सेक्शन, अलग अलग सेक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉड्यूलस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भूल गए किसी पर्टिकुलर शेप के लिए, तो उसके लिए आप लास्ट में आप देखोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, सर्कुलर सेक्शन के लिए मॉड्यूलस ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू इतना होता है, सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस इतना होता है इस सेक्शन के लिए, ऐसे आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी कास्ट आयरन के लिए फॉर स्टडी लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 से 6 होता है, फॉर वेयरिंग लोड के लिए 8 to 12 होता है, फॉर शॉक लोड के लिए 16 to 20 होता है। अगर मटेरियल कास्ट आयरन उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मटेरियल रॉट आयरन है तो उसका स्टडी लोड पे इतना होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऐसा कुछ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने चैप्टर 12 में 201 पेज पे हमें गियर का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो 201 चैप्टर हम पेज नंबर ओपन करते हैं। तो 201 कहाँ है, ठीक है, तो ये है हमारा पेज नंबर 201। इस पर हेलिकल बेवल एंड वॉर्म गियर हमने खोला। अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे आपको देख रहे होगे यहाँ पे नोटेशंस दिए हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो मेन मेन नोटेशन की जरूरत है उसे पढ़ लें। ए क्या है, सेंटर डिस्टेंस। बी है फेज विड, जो गियर का है, गियर का फेज विड। बी सी बी है वेलोसिटी फैक्टर। डी वन डी टू है पिच डायमीटर। ई वन ई टू है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एफ टी है हमारा ड्राइविंग फोर्स। एफ डी है डायनेमिक लोड। एफ डब्ल्यू है लिमिटिंग वियर लोड। एफ एस है स्टैटिक डायनेमिक स्ट्रेंथ ऑफ गियर। आई है गियर रेशियो। के से लोड स्ट्रेस रेशियो। के डब्ल्यू से वियर लोड फैक्टर। एम से मॉडुलस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है। अब देखो, अब जैसे ये गियर का टिथ बना हुआ है, गियर का टिथ ये हमारा अपर पे फेस विड्थ बोलते हैं, ठीक है, बीच वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं दैट इज पिच सर्कल। ये हमारा एडेंडम लाइन, ये नीचे वाला है हमारा डिडेंडम लाइन, ठीक है, ऐसे दोनों के बीच का पिच फिलेट रेशियो, ये सब आप गियर में बड़े टर्म्स यूज्ड इन गियर में आप देखोगे तो अलग अलग टर्म के बारे में हम डिफाइन अलग अलग से किए होंगे, ठीक है ना। अब देखो, क्वेश्चन में कुछ बोल दिया, कुछ वैल्यूज दे दिया कि आपका डायमीटर इतना है, ठीक है, तो सर्कुलर पिच फाइंड, सर्कुलर पिच स्पर गियर, स्पर गियर के लिए आपका स्पर गियर का सर्कुलर पिच दैट इज पी इज इक्वल टू पाई डी अपॉन जेड, और पाई डी अपॉन जेड, ठीक है, पाई पी डी, और इसको डी अपॉन जेड को यहाँ पे लिख दिया है दैट इज पी डी विच इज इक्वल टू पाई एम, ठीक है, ये पी क्या है, सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच हम जानते हैं, वह जेड, जेड क्या है यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जेड हम क्या लिया गया है, इसमें तो जेड नहीं दिया, तो यहाँ बताया होगा जेड क्या है, बुक में मिसिंग है आई थिंक, ठीक है। तो सर्कुलर पिच का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन टी, ये होता है, ये जेड एक्चुअली, जेड क्या है, नंबर ऑफ टिथ, ठीक है, जेड इज द नंबर ऑफ टिथ, तो देयरफॉर पाई बी डी हो जाएगा और इज इक्वल टू पाई मॉड्यूल। एम फॉर मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है आपका, मॉड्यूल इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल टी, हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, यहाँ पे डी अपॉन कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल डी का मतलब है नंबर डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, और जेड का मतलब है नंबर ऑफ टिथ, ठीक है। देयरफॉर पी डी, पी डी क्या है आपका, जेड अपॉन डी, जेड अपॉन डी, जेड क्या है नंबर ऑफ टिथ, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, देयरफॉर दैट इज वन अपॉन मॉड्यूल, ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेशन बिटवीन द सर्कुलर पिच एंड द डायमेट्रिकल पिच, सर्कुलर पिच और डायमेट्रिकल पिच का रिलेशन क्या है, तो पी पी डी इज इक्वल टू पाई होता है, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन जेड दैट इज मॉड्यूल। पिच डायमीटर कितना होता है, इतना होता है। बेस सर्कल डायमीटर क्या होता है, इस पर गियर का डिटेंडम सर्कल क्या होता है, ये सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, ठीक है। एडेंडम सर्किल और आउटसाइड सर्किल, इतना सब कुछ आपको यहाँ फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आप पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी देखोगे इस पर गियर के लिए, तो पावर फॉर्मूला होता है एफ टी वी अपॉन 1000, ठीक है, फॉर इन एसआई यूनिट और इन मेट्रिक यूनिट, ज़्यादातर हम एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं तो यही ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वेयर लिखा है एफ टी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स है आपका टेंजेंशियल लोड पे, वी है पिच वेलोसिटी। अब लुईस इक्वेशन, अब हम गियर का हम एक दो टाइप तीन चार फॉर्मूला डेट इज़ लुईस इक्वेशन, बेंच फॉर्मूला, बकिंगम पाई, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। तो लुईस इक्वेशन हमारा ये है, इस पर गियर का जब डिज़ाइन करोगे तो टेंजेंशियल लोड निकालने के लिए काम आएगा लुईस इक्वेशन। उसका लुईस इक्वेशन फॉर बीम स्ट्रेंथ, बीम स्ट्रेंथ के लिए भी है फॉर्मूला। देखो जैसे एफ टी, एफ टी क्या दिया हम लोग, क्या पढ़े थे अपने क्वेश्चन में, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी पढ़े थे, यहाँ हम एफ टी देख रहे हैं, और बात एक ही है, ठीक है, नोटेशन अलग है बस। तो सिग्मा डी सी वी बी वाई एम, एम का फॉर्मूला यहाँ दिया है, एम का दैट इज रूट ऑफ एफ टी अपॉन इतना, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो आपको अब यहाँ पे कोई टर्म निकालना है, y, y क्या हो गया फॉर लुईस फॉर्म फैक्टर, टेबल 12.5 12.6 में देखें y क्या, y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसमें जैसे
एफ टी इज इक्वल टू इतना आ गया तो वाई, या फिर इतना आ गया, तो इसमें वाई निकालने के लिए वाई का फॉर्मूला दिया हुआ है दिस, ठीक है। अगर इस वैल्यू नहीं है आपके पास तो लुईस फॉर्म फैक्टर टेबल 12.5 एंड 12 पॉइंट्स, इसी चैप्टर में टेबल खोलिए, इस चैप्टर के लास्ट में आपको टेबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। टेबल कौन सा बोला था, 12.5, तो 12.5 टेबल कहाँ है, ये रहा 12.5, ठीक है। तो 12.5 टेबल हमें मिल गया, वैल्यू ऑफ टूथ फ्रॉम लुईस फैक्टर अ लोड एट टिप ऑफ दिस, ठीक है। इससे हमारा वाई निकल जाएगा, तो जेड नंबर ऑफ टीथ, जेड क्या है हमारा, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ के लिए आप देख लें 14 1/2 डिग्री के लिए, 14 1/2 डिग्री वेरिएबल सेंटर के लिए, 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए, किसके लिए, अगर 16 है तो उसका तो, और 20 डिग्री का आपका डेप्थ है आपके गियर का, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, वाई इजिकल टू 0.094, ठीक है। तो ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ और भी दिया है लुईस फॉर्म फैक्टर 12.5 से देखें कि वाई इजिकल टू, ऐसा सारे फॉर्मूलाज आपको डाटा बुक में मिल जाए, जो जो आपको क्वेश्चन में बोला होगा, और सिर्फ डिज़ाइन डाटा के बुक के हेल्प से आप वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत थियोरिटिकल नॉलेज है तो गियर का, ठीक है। अब जैसे फेस विड्थ, अब फेस विड्थ जो होता है गियर का वो 9.5 मीटर नहीं है, अब आप नहीं जानते हो, अब डाटा बुक यूज़ करने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो 9.5 मीटर से आप 12.5 मीटर समझ लोगे, बट ये एम नहीं, ये एम आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल इट इज़ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डायमीटर, पिच इट सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, ये है मॉड्यूल है ये, ठीक है। मीटर मत समझ लेना, थ्योरेटिकल नॉलेज आप थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर वेलोसिटी फैक्टर चाहिए सी वी का यूज़ अगर कहीं किसी न्यूमेरिकल में करना, किसी फॉर्मूला में सी वी आ गया, तो सी वी ऑर्डिनरी कट गियर के लिए इतना, बर्थ फॉर्मूला फॉर केयरफुली कट के लिए इतना, बर्थ फॉर्मूला वेरी एक्यूरेट कट के लिए, गियर को एक्यूरेट कट के लिए सी वी आपका वैल्यू इतना हो जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेंच फॉर्मूला फॉर बीन स्ट्रेंथ के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे अगला पेज फोर्स एक्टिंग इन स्पर गियर, स्पर गियर में कौन कौन से फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला, नॉर्मल का, पिच डायमीटर, पिनियन का क्या होगा, गियर का क्या होगा, ये सब आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ टीथ कंसिडरिंग लोड कंसेंट्रेशन, डायनेमिक लोड एंड वियर फैक्टर से जो हमारा आया, ये सब भी दिया हुआ है। बकिंगम के लिए डायनेमिक लोड फॉर बकिंगम के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी टाइम में, ये सब हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ है, हेलिकल गियर, अब देखो आप इस पर गियर के लिए हो गया, अब जो कंस्ट्रक्शन करना हो प्रोपोर्शनल ऑफ गियर आर्म, तो गियर आर्म कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल दिया, अगर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करो गियर का, तो गियर आर्म कितना होगा उसका, ये बना हुआ है इसे देख, मैच करो और आप कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। हेलिकल गियर के लिए भी उसका पीछे डायमीटर, डायमीटर पीछे नॉर्मल सर्कुलर पीछे सब कुछ, हेलिकल गियर का भी सेम टू सेम जैसे स्पर का था वैसे हेलिकल के लिए भी, हेलिक्स एंगल एंड फेस विड्थ सब के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बेवल गियर के लिए भी दिया हुआ है, बेवल गियर के लिए फिगर एक्यूट एंगल बेवल गियर कितना होगा, एंगल कितने बनते हैं, यही है ना हमारा बेवल गियर, ये एंगल कितना बनेगा, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से। अगर आपका राइट एंगल बेवल गियर है तो उसके लिए पिच क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बेवल गियर है तो उसके लिए पिच एंगल ऑफ गियर क्या होगा, पिनियन का क्या होगा, गियर क्या होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कट टीथ विद द बेवल गियर, ये सब आपको यहाँ पे फॉर्मूला आप देखना मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हमें मिल जाएगा, तो ज़्यादातर डिज़ाइन का हर एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है। वॉर्म गियर के लिए लीनियर एक्सियल पिच ऑफ द वॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ वॉर्म गियर का भी फॉर्मूला दिया हुआ है दिस, ठीक है। उसके बाद टेबल, इसलिए यूनिट का जैसे एंड हुआ तो टेबल चालू हो गया, जैसे कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए बोल दिया हो, वहाँ पे निकालने के लिए बोल देगा आपको, वहीं लिखा होगा बगल में कि आपको इस टेबल से वो वैल्यू फाइंड करना है, तो ये टेबल आपको लास्ट में मिल जाएंगे हर टॉपिक के टेबल, ठीक है। हेलिकल गियर के लिए भी दिया है, प्रोपोर्शन ऑफ बेवल टीथ के लिए, सबके लिए यहाँ पे सब डिफाइन है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये डिज़ाइन ऑफ गियर के लिए आपको डिज़ाइन डाटा बुक कैसे यूज़ करना है समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई थोड़े बहुत डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कॉन्टेक्ट वहाँ कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।